हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्स सुपर लाइट जेल। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ये, और ये है पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली नॉन स्टिकी। तो इन दोनों का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, रिव्यू एंड कंपैरिजन बोथ। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट इसका मैं दिखाती हूँ आपको, ये है पॉन्स का सुपर लाइट जेल जो कि ऑयल फ्री इसका टेक्सचर है। सुपर लाइट मतलब समझ रहे हो, ऑयल है ही नहीं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ये। और ये फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन। एंड इसमें क्या क्या है, इसमें जो कंटेंट है वो मेनली हाइलुरोनिक एसिड है एंड विटामिन ई है। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है ना, वो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, और जो भी आपका स्किन में नेचुरल मॉइस्चर होता है ना, उसे ये ना हटने नहीं देता है। तो आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड हाइड्रेटिंग फील होता है। इसमें मेन जो ये है ना प्रोडक्ट यही है, और विटामिन ई। तो विटामिन ई आपके स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ये मैंने पूरा ही फिनिश किया हुआ है एक्चुअली, मतलब पूरा ही खाली है। मैं दिखाती हूँ इसमें थोड़ा सा, इसका जो कंटेंट है वो ना स्काई ब्लू कलर का आपको मिल जाता है, और ये देख सकते हो हल्का सा है। और ये जेल लाइक टेक्सचर में होता है, और मेनली ना ये वाला आपको, वैसे आप समर और विंटर दोनों में यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ना समर सीजन के लिए परफेक्ट रहेगा, बिकॉज इसमें ऑयल नहीं है ना। तो ये खास करके ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सुपर प्रोडक्ट है। वैसे इसमें ना बहुत ज्यादा ये दिए हुए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नेचुरल नहीं है, बट इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी इसमें मेंशन किए हुए हैं। इसके जो सेल्फ लाइफ है, ये वाला जो पॉन्स जेल है, ये 3 इयर्स तक आप यूज कर सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस है वो वैसे तो 299 इस तरह का दिखेगा, बट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे ऑनलाइन मिल जाता है ये आपको। ये आई थिंक 100 समथिंग में ही आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ले सकते हो आप अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चाहिए। तो नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। तो ये है पॉन्स का फॉर्मुलेटेड बाय पॉन्स इंस्टीट्यूट लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील। और इसमें दिया हुआ है फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। इसमें भी विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है। तो इसमें क्या था, हाइलुरोनिक एसिड, इसमें एक्स्ट्रा में ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन जो होता है ना, वो खास करके विंटर सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं आपके लिए। आपका स्किन ना बहुत ज्यादा इससे मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा, और जो स्किन का टेक्सचर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। और अगेन इसमें भी विटामिन ई है, तो विटामिन ई का यही वर्क है, वो आपके स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाता है। तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है बहुत ही है, दोनों ऑयल फ्री टेक्सचर के हैं, दोनों नॉन स्टिकी भी है, और ये एक जेल मॉइस्चराइजर है, और ये एक क्रीमी टाइप का है। एंड इसकी जो प्राइस है, ये ना 400 समथिंग का दिखेगा। अगर आप शॉप से लेते हो ना, तो ये आपको महंगा ही पड़ेगा, बट ये मैंने अमेजोन से मंगवाए हुए हैं, और साइज देख सकते हो यार कितनी बिग है, बट ये मुझे 199 रुपीज में ही मिला है। तो एकदम हाफ प्राइस में आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसके जो सेल्फ लाइफ है, ये 3 इयर्स तक आप यूज कर सकते हो। मैं इसे लगभग 1 महीने से यूज कर रही हूँ, ये मैंने प्रॉपर विंटर के लिए मंगवाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। विंटर सीजन में आपको ये अच्छा लगेगा। ये देखो इसका व्हाइट कलर का है, ये क्रीम इन टेक्सचर का है, इसका मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप इस तरह का है। और स्किन पे बहुत अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावे स्किन बिल्कुल भी आपका ड्राई नहीं लगेगा। मेरी स्किन ऑयली विथ पिंपल प्रोन टाइप के हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड फ्रेग्रेंस इज आल्सो नाइस, जो पॉन्स का रियल फ्रेग्रेंस होता है ना, वो फ्रेग्रेंस इस क्रीम में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्किन आपका बहुत ही सॉफ्ट सा फील होगा, बहुत सॉफ्ट सा है एकदम। तो मेनली ना समर सीजन के लिए मुझे ये अच्छा लगता है, विंटर के लिए ये परफेक्ट है। विंटर सीजन में मैंने इसे यूज किया कुछ दिन, मुझे अच्छा नहीं लगा, फाइनली मैंने ये वाला मंगवाया, चलो ये भी ट्राई करती हूँ। तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। बट मेरे ख्याल से दिस इज फॉर ऑल सीजन, बट मैंडेटरी फॉर विंटर सीजन बिकॉज ऑफ ग्लिसरीन। इसमें जो भी और भी कंटेंट है ना, वो मैक्सिमम यूज होते हैं विंटर सीजन के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अगर कोई विंटर सीजन के लिए अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए ना, तो ये ले सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए। दोनों बाय द पॉन्स है, ये एक सुपर लाइट जेल है, दिस इज मॉइस्चराइजर, दिस इज अगेन अ मॉइस्चराइजर, बट ये जो है ये क्रीम इन टेक्सचर का है। इसमें है आपका नॉन स्टिकी, ऑयली फिनिश नहीं देता है, ये भी सेम है, नॉन स्टिकी है, ये भी ऑयल फ्री है। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, इसमें ग्लिसरीन है उसके जगह पे, इसमें विटामिन है, इसमें भी विटामिन है, तो दोनों सेम ही है, अप्रॉक्स सब कुछ सेम है। तो मुझे मेरे अनुसार जो मुझे परफेक्ट लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि
ये आप समर सीजन के लिए खरीद लीजिएगा, ये अभी आपका विंटर सीजन के लिए परफेक्ट रहेगा। एंड यस, रेगुलर बेसिस पे यूज करने के बाद ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन मैं तो इसे अभी नाइट एंड डे सब में यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसका जो कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम ही यूज होता है। मतलब कि थोड़े से अमाउंट में लोगे ना, आपका पूरा फेस अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देता है। इवन मैंने अभी हैंड पे लगा, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है ना, तो डेफिनेटली ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो ये था इन दोनों का कंपैरिजन विथ रिव्यू। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेनली ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे कैसा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फ्रेंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।